हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग देख रहा था पहला चैप्टर में देखा है टेम्पो ट्रैक के बारे में देखा है, आज देखेंगे वार्पिंग के बारे में। मतलब वार्पिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वार्पिंग होता कैसा है वो उसके बारे में हम बोलेंगे। देखिए इधर एक ट्रैक खुला हुआ है, ये अगर चलेगा, ये अगर हम लोग चलाएगा तो चलेगा। पुराना है, पुराना ट्रैक हम लोग बना रहा था, इसका पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो वार्मिंग के लिए होता है क्या, हम आप लोगों को थोड़ा पेंड में समझा देते हैं। देखिए ये जो वेव कार्व चल रहा है ऐसा टाइप का, मान लीजिए इसका ये नहीं है, इसको छोड़िए, इसको नहीं, इसको थोड़ा रिमूव कर दे रहा है। तो मान लीजिए ये पूरा एक टाइमलाइन चल रहा है, इसके अंदर वेव चल रहा है, वेव चल रहा है मतलब ये वेव फाइल चल रहा है, ऐसे टाइप का करके साइन वेव चल रहा है। तो ठीक है, तो कुछ कुछ जगह पर साउंड फट गया है, उसको छोड़िए। मान लीजिए ए एक नंबर बार, ए दो नंबर बार, ए तीन नंबर बार, ए चार नंबर बार, ए पांच नंबर बार, ठीक है। तो ये मान लीजिए कीक है, ए भी कीक है, ए भी कीक है, ए भी कीक है, ए भी कीक है, मतलब ड्राम का कीक है। और ये हम बोलना क्यों चाहते हैं, बेसिकली वार्पिंग हम लोग किस टाइम में करते हैं, मान लीजिए ये साइन वेव चल रहा है, इसका इसका ऐसे टाइप का साइन चल रहा है, मान लीजिए एक किक जगह पर नहीं आया, मतलब इधर आना चाहिए था मगर किक का हाई पिकअप इधर हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, आगे में पड़ गया। और ये भी इसका भी इधर हो, इधर आया है, इसको चेंज हो गया। तो ऐसा करके जो किक बीट में पड़ना चाहिए था वो नहीं आया है, उसको किक ठीक ठाक जगह पर बीट में नहीं आया है, तो इसको हम लोग वार्पिंग करेंगे। वार्पिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वार्पिंग करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, मान लीजिए ये ड्राम ट्रैक है, ये ड्राम ट्रैक है, इसको डबल क्लिक करते हैं। तो ये डबल क्लिक करके थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, तो देखिए वार्पिंग करने के लिए पहले हम लोगों को ऑडियो एंड वार्प जो है इसको इनेबल करना पड़ेगा। एक क्यूबेस में हम बोल रहे हैं ऑडियो एंड वार्प, उसके बाद म्यूजिकल नोट, म्यूजिकल मोड इसको इनेबल करना है, म्यूजिकल मोड इनेबल कर दिया है। अभी देखिए ये क्वांटाइज का बेसिस में वार्पिंग हो रहा है, मतलब क्वांटाइज है जितना ये बार वाइज क्वांटाइज है, आप लोग 1/8 कर दीजिए तो 1/8 हो जाएगा। तो ये हमारा हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से मतलब जो हमारा गलती है, जो अगर किक बार का अंदर अंदर ही पड़ता है, उसका अंदर स्नेयर जो है वो 2-4 पड़ता है और उसका हाई हेट है 1/16 में आता है, तो हम लोग बार ही करते हैं, बार करके इसको थोड़ा सा जूम करिए। तो देखिए जो किक ये, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 10 नंबर का जो किक है, हाई हेट जो है, ये 10 नंबर में आया नहीं है, तो इसको 10 नंबर में करना होगा। 11 नंबर में देखिए ये भी आया नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा बार बार कर देते हैं। तो हम लोग इसको पहले फ्री वर्प कर देते हैं, फ्री वर्प कर लिया है, फ्री वर्प हो जाने के बाद हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा चेंज कर कर करके ये जगह पर ले आना पड़ेगा। देखिए हम चेंज करके ये थोड़ा इधर लिया ले आया, इसको इधर ले आया। देखिए हम लोग जब कोई भी लूप बनाएंगे तो वो तो एक बार के लिए ही बनाएंगे, हम लोगों तो एक बार ही करना पड़ता है, तो एक बार में जो जो जगह पर ठीक से वार्पिंग हुआ नहीं है तो वो जगह पर हम लोग दिखा देंगे कौन सा जगह है वो, और कैसे इसको वार्प करना पड़ेगा। मतलब 10 नंबर बार जब आएगा तब ये किक एडजस्ट होगा, ठीक जगह पर आएगा। और ये भी हम लोग कर सकते हैं, इसका स्ट्रेचिंग भी हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको 1/8 करते हैं, तो 1/8 मान लीजिए 10 to 1.3 इसका अंदर अगर हम लोग वार्पिंग करेंगे तो इसका अंदर ही जो काम होगा वो होगा, बाहर का बाकी जितना सारा काम है लेफ्ट और राइट में उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि जब हम लोग काम करेंगे तब इसका ऊपर हम लोग देखेंगे जो ठीक है, ये जगह पर ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा इधर होने से ठीक होगा। तो देखिए अपने आप क्रिएट हो जा रहा है, अपने आप वर्क लाइन क्रिएट हो जा रहा है, और इसको हम लोग अपना हिसाब से जो जगह पर गलती हुआ है वो जगह हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा करके जितना सारा ट्रैक्स है उतना सारा ट्रैक को हम लोग वार्पिंग बना सकते हैं, वार्पिंग कर सकते हैं। और ये ध्यान में रखिए वार्पिंग करने के लिए आप लोगों को ये टेम्पो ट्रैक को ऑन करके रखना पड़ेगा,
अगर टेम्पो ट्रैक ऑन नहीं रहेगा तो आप लोग वार्प नहीं कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक कीजिए, अगर वार्प करने के लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा शुरू शुरू में, अभी हम कर दिया है इसलिए होगा, हो रहा है। बेसिकली टेम्पो ट्रैक ऑन होना चाहिए और इसको टेम्पो ट्रैक ऑन करके करना ही बेहतर है। और देखिए हम लोग जब कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका टेम्पो तो होगा, तो टेम्पो अगर होगा तो टेम्पो ट्रैक ऑन करना पड़ेगा। और टेम्पो ट्रैक ऑन मतलब होता है क्या, अगर 120 BPM का बाहर होगा, 120 BPM का बाहर मतलब मान लीजिए 110 BPM में आपका काम हो रहा है तब ठीक है, तब टेम्पो ट्रैक को ऑफ करके करिए, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर 120 BPM में अगर काम हो रहा है और टेम्पो ट्रैक ऑन नहीं है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब वो आपको करने नहीं देगा। तो इसीलिए टेम्पो ट्रैक को ऑन करके वार्पिंग करना पड़ेगा, और वार्पिंग करने के लिए पहले वार्प मोड को ऑन करना पड़ेगा, म्यूजिकल मोड को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद जूम करके अपना हिसाब से कोई भी जगह पर आप लोग चेंज कर सकते हैं, कोई भी जगह पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली उधर एक बन जाएगा, उधर एक वार्पिंग का स्टैक बन जाएगा, एक फ्लैग बन जाएगा, वो फ्लैग को लेके आप लोग दाएं और बाएं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करके देखिए। इसके बाद जो वार्पिंग का नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग बोलेंगे, क्योंकि वार्पिंग का और भी चैप्टर है होगा, तो उसका रीसेट कैसे किया जाए, उसका क्वांटाइजेशन सैंपलिंग कैसे किया जाए, मतलब हम लोग इसको स्विंग में कैसे किया जाए, मान लीजिए एक 6/8 चल रहा है उसको स्विंग में कर रहा है, तो स्विंग में उसका रिदिम पैटर्न सैंपलिंग करके क्या होता है, ये एबल्टन में बहुत अच्छा होता है, तभी क्यूबेस में हम लोग दिखाएंगे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए, और एक ही बात है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ढेर सारा आप लोग शेयर करिए, और हमको कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक एक करके देते रहेंगे आप लोगों को, पूरा एडवांस तक ले जाएंगे। अभी एडवांस तक थोड़ा सा हम लोग तो अभी पा रख चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके और भी जाएंगे एडवांस में, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। और मिक्सिंग और मास्टरिंग के लिए भी हम लोग दे रहा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम का हिसाब से हम लोग ये दे रहा है, ट्यूटोरियल दे रहा है, हमारा हिसाब से नहीं दे रहा है, हमारा हिसाब से देने से आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आप लोग आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को भेजिए हमको, और हम जो बोल रहे हैं ये थोड़ा प्रैक्टिस करके भी देखिए। बाद में हम भोजपुरी का ट्रेनिंग, भोजपुरी पैटर्न कैसे बनाते हैं उसका ट्रेनिंग भी देंगे, और कौन सा VST है जो भोजपुरी में बहुत सारा काम में लगता है वो भी हम लोग बोलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल अगेन, आप लोग हमारा चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ढेर सारा शेयर कीजिए। थैंक यू।